नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ना मैथ्स का कंप्लीट लिंक बताऊंगा। परसेंटेज से रेशियो कैसे लिंक है, एचसीएफ एलसीएम रेशियो से कैसे लिंक है, सब चीजों का लिंक बताऊंगा। 10-15 मिनट में आपको पूरे मैथ का एक लिंकेज दूंगा, जिसको पढ़ के आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज, देखो परसेंटेज क्या होता है। परसेंट, परसेंट हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रतिशत। किसी भी चीज को 100 पर मापना वही होता है परसेंटेज, ठीक है। 100 पर मापना किसी भी चीज को क्या होता है, परसेंटेज। अब इसका मतलब आप समझिए, देखिए 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। इसका अर्थ समझिएगा, यानी 100 में से 20 की बात कर रहा है, 100 में से 20 की बात कर रहा है। तो परसेंट का मतलब किसी भी चीज को 100 पर कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, वैसे इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/5। जब रेशियो के बारे में बताऊंगा, जब इसके बारे में बताऊंगा, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब एक और बात समझिए दोस्तों, परसेंटेज का क्या इस्तेमाल है, और परसेंटेज का और वास्तविक संख्या का क्या रिश्ता है, परसेंटेज का वास्तविक संख्या का क्या रिश्ता है, वो आप समझेंगे। देखिए, अगर मुझसे बोला जाए 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40, 20% किसी संख्या का 40 के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड दैट नंबर, ठीक है। अब आप देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द नंबर। तो हिंदी में बोलता हूं, किसी संख्या का 20% 40 के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मेरी बात सुनिए, 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो फाइंड दैट नंबर। तो हम नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 20% इज इक्वल टू 40। तो आपको अगर वो 100% वो नंबर निकालना है, 100% क्या होगा, कंप्लीट नंबर 100% ही तो होगा, ये बात समझने की है। 100% का मतलब कंप्लीट, ठीक है। तो 20% ऑफ अ नंबर इक्वल टू 40, देन फाइंड दैट नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, 100%, क्योंकि 100% का मतलब होता है कंप्लीट। तो 20% का 20% 40 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 20% की वैल्यू 40 है, तो 20 को अगर 40 बनाना, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको पूरा नंबर चाहिए, उसको भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा वो, 200। आया भी समझ में, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 200 के बराबर। 100% किसके बराबर है, 200 के बराबर। आपने देखा, मैंने कोई इफ एंड बट नहीं किया, सीधा एक गुणज मल्टीप्लायर, है ना, इंटरेस्टिंग चीज। अगर वो बोलते था फाइंड 120% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 120% बताइए, तो 120% कैसे निकालेंगे भैया, 120%। आपको पता है अभी 20% की वैल्यू 40 है, तो 120% की क्या होगी, 20% की वैल्यू 40, तो आपको ये लिंक पता लग गया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 240। कितनी सरल चीज है परसेंटेज और एक्चुअल नंबर में कन्वर्जन, समझ रहे हो आप। एक्चुअल परसेंटेज से और एक्चुअल नंबर में जाने के लिए सिर्फ एक मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ती है, बस एक मल्टीप्लायर चाहिए और आपका काम बन जाएगा। तो हमारे लिए की ये थी बस। अगर मुझसे बोल देता उसी नंबर का 80% बताइए, 80% ऑफ दैट नंबर, तो मैं क्या करता, 80% पूछ रहे हैं ना, बस उसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कितना आ जाता है, 160। समझ में आई ये वाली बात, एकदम इजी है ना मेरे दोस्त। चलिए अब मैं और उसके बारे में और आपको बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। तो आपको परसेंटेज से किसी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ एक मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्योंकि 100% क्या होता है वो समझना जरूरी है। 100% का मतलब है कंप्लीट, 100% की वैल्यू 1 होती है। 20% की वैल्यू जैसे आपकी आई थी 1/5 ना, तो 100% की 100/100 हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 1, तो कंप्लीट 1 मतलब कंप्लीट, 1/5 का मतलब 5 का कुछ पार्ट, वो तो जब मैं अभी फ्रैक्शन आपको बताऊंगा, रेशियो बताऊंगा, उसमें समझ में आएगा, समझ में आया। तो हमें कुछ नहीं किया, हमें उसका एक परसेंटेज, एक गुणज, एक मल्टीप्लायर चाहिए था, उससे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं, मान लीजिए आए कि 30% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 90, किसी नंबर का 30% किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो वो नंबर बताइए। तो 30% इज इक्वल टू 90 है, तो 100% वो कंप्लीट नंबर 100 होगा ना, भाई पूरा नंबर तो वही है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 30% की वैल्यू 90 है, तो कितने गुना है, 3 गुना है, इसको भी 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 300। आया मेरे बच्चों समझ में, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए मैथ में कितना सिंपल सिंपल सी बात थी, हमें कॉम्प्लिकेशन में समझते थे, ठीक है, आया। चलिए तो हमें सिर्फ एक मल्टीप्लायर चाहिए, हमें आप देखना सिर्फ मल्टीप्लायर चाहिए। और अभी आप इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। मैंने क्या बोला था कि 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू
दोबारा बता देता हूं, 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द नंबर. ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे कर सकता था. 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 20% इज इक्वल टू 20/100. इसको काट लेते हैं, कितना आएगा, 1/5. अब आप ये बात समझिए, 1/5 का मतलब क्या होता है, पांच में से एक. तो पांच में से एक का मतलब क्या हुआ कि टोटल रुपीज अगर पांच थे उसमें से एक रुपए की बात कर रहा है. तो अगर आपके पास, देखिए पांच का मतलब क्या, भी टोटल आपके पास पांच बॉक्स होंगे या पांच चॉकलेट थी या एक केक के आपने पांच टुकड़े किए थे, उसे एक एक आपने दे दिया. समझ में आया, पांच में से एक, तो पांच में से आपने एक दिया, लेकिन उस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40. तो आपके पास पांच छोटे छोटे बॉक्स थे, पांच ऐसे ऐसे बॉक्स थे, 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, उस एक बॉक्स में कितने रुपए थे, 40. तो सब में कितने होंगे, 40 40 40. तो इसको एक को 40 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पांच को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से. तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे आपके पास, 200. क्योंकि आप हर एक बॉक्स में आपके पास कितने कितने रुपए हो गए, आपको हर एक बॉक्स की वैल्यू पता लगेगी, 40 40 40 और 40 थी. समझ में आया बेटा, सबकी समझ में आया. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको. ठीक है, चलिए, तो ये आपको रेशियो में समझ में आएगा और मैं बताता हूं इसके बारे में. देखिए 100% की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/100 रखते हैं. इसी तरह 50% की वैल्यू किसके बराबर होती है, आप मेरी बात सुनिए. देखो 100% का मतलब 1 होता है, 1 का मतलब एक बहुत बड़ा केक आप लेके आए. तो एक आपका बर्थडे था, ठीक है, तो आप एक बहुत बड़ा केक लेके आए. ठीक है, अब उसके आपने दो टुकड़े कर दिए. पहले तो एक पूरा केक था ना, तो 100% था, अब इसने दो टुकड़े कर दिए. तो ये वाला पार्ट, ये हाफ है, ये भी तो हाफ है. तो परसेंटेज के टर्म में कितना होता है, 50%. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, 50/100. तो 50% की वैल्यू कितनी होगी, हाफ. ठीक है बच्चों, और देखते हैं. अब मान लीजिए मुझे, मैं इसका भी हाफ कर रहा हूं, तो 50 का हाफ करेंगे कितना होता है, 25%. अभी आप देखिएगा इंटरेस्टिंग काम, 25% ना, तो मैं इस सर्कल का दोबारा और हाफ करता हूं. तो ये मैंने किया था, ये 100% था, फिर मैंने इसका हाफ कर दिया, तो कितना हो गया था, 50%. तो उसके अलावा फिर हमने क्या कर दिया, इसका फिर हाफ का हाफ कर दिया, कितना हो गया, 25%. ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4. तो 25% का मतलब है, घर में एक पिज्जा आया बेटा, एक घर में पिज्जा आया, उसके आपने चार टुकड़े कर दिए. तो एक टुकड़ा आपको मिला ना, तो आपको कितना मिला है, ये 1, 2, 3, 4, चार में से एक, तो ये कितना होता है, 1/4. 1/4 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 25% के. समझ में आया, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%. समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग है ना. चलिए अब ये परसेंटेज का और परसेंटेज का रेशियो से क्या रिश्ता है, हम उस पे आते हैं. लेकिन हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी है कि परसेंटेज से एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ एक मल्टीप्लायर चाहिए, और परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे डिनोट करता है वो भी आप देखें. चार में से एक बहुत बड़ा पिज्जा लेके आया, उसमें से एक पार्ट दे दिया, तो हो गया, है ना इजी. चलिए तो देखो प्रैक्टिकल बात है, आप किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछते हो, वही बता देगा, चार टुकड़े में से एक टुकड़ा आपने दे दिया, तो 1/4 ही तो दिया. तो हम सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से लिंकेज करिए, जब तो इंटरेस्टिंग बात है, जब तो समझ बनेगी. अब आप देखिए इस पे और थोड़ा काम करता हूं मैं, और आपको इंटरेस्टिंग. तो भैया मैंने बताया था कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, है ना. रेशियो कैसे बनता है आप देखना, मतलब आपके पास टोटल चार टुकड़े थे, एक आपके पास दे दिया गया, ठीक है, तो बच कितना गया वो भी आएंगे. अब देखना बच कितना गया, भाई चार में से एक दे गया तो बच कितना गया, 3, दो लोग थे ए और बी, ठीक है, और ये टोटल लिख देते हैं इधर ए प्लस बी. तो आपके पास ये दो भाई थे, एक को 1/4 मिला, तो आप मेरे को इधर बताइए, 1/4 मिला ना, बी को 1/4 मिला, तो एक मिल गया उसको. तो टोटल चार टुकड़े थे, उसमें से एक बी को मिला, तो ए को कितना मिला हुआ बचा हुआ, 3. टोटल चार टुकड़े थे, एक मिल गया किसको, बी को, तो ए को कितना मिलेगा भैया बचा हुआ, चार में से एक गया कितना बच जाएगा, 3/4, 3/4. तो कुल मिला के चार टोटल टुकड़े थे, एक बी को कितना मिल गया, ए एक पार्ट, और ए ए को कितना मिल गया, 3rd पार्ट. तो देखिए इसी से रेशियो बनता है, आया आप समझ में. अब देखिए इसी को हम कैसे कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:1. ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी दो नंबर है, इनका अनुपात कितना है, 3:1. अगर बी की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू कितनी है, हमने अब बी की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 20 है, तो ए की बताइए. तो बी की वैल्यू अगर मैं मान लू
ठीक है, सॉरी 20 नहीं मानते, 25 मानते हो ताकि आपकी बात समझ में आएगी। तो बी की वैल्यू मैं 25 मान लेता हूं, तो बी की वैल्यू अगर 25 है तो देखिए इसकी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 25। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई ये 75। आया समझ में? तो यहां भी एक मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, सिर्फ नंबर को रेशियो को वास्तविक संख्या में कन्वर्ट करने के लिए। मैं एक बार लास्टली ये बात क्लियर कर देता हूं क्योंकि मैंने 20% से बात समझ बताई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार जल्दी से मैं बताता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा हुआ था कि 20% इक्वल टू 40 के बराबर है ना, तो फ्रैक्शन को रेशियो के टर्म में बताता हूं। 20% की वैल्यू किसके बराबर थी, 1/4, 1/5, तो 5 में से 1, तो 5 में से 1 ये ए और बी ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी की बात कर रहा है, तो बी के पास 1 है तो 5 में से टोटल 5 है, ए प्लस बी टोटल 5 है ना भैया, टुकड़े 5 है आपके पास, उसमें से 1 बी के पास है, तो ए के पास कितना हो बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ए और बी का अनुपात कितना है, 4:1, ए और बी का अनुपात कितना है, 4:1। अगर बी की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 40 है तो ए की बताइए, तो बी की वैल्यू 40 है ना मेरे बच्चों, तो टोटल पूछ रहे उसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, टोटल पूछ रहे तो कितना हो जाएगा 200, और बी ए की पूछ रहे तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 से आया था ना, ठीक हाँ, तो इसको भी 40 से करें कितना आ जाएगा 160। देखिए आप ध्यान से देखना, 160 प्लस में 40 कितना आ रहा है, टोटल आना चाहिए 200, और 200 आया हुआ है, ये ना कंफर्म। देखिए मैं लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, आपको मजा आया ना, परसेंटेज से और रेशियो में क्या रिश्ता है, परसेंटेज से एक्चुअल नंबर में क्या रिश्ता है, एक्चुअल नंबर का रेशियो से क्या रिश्ता है, रेशियो का एक्चुअल नंबर से क्या रिश्ता है, सिंपल, सिर्फ एक गुणज की आवश्यकता पड़ती है मल्टीप्लायर की, पॉइंट फ्रैक्शन वगैरह से मत घबराइएगा, वही है उसमें मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये लिंकेज आपको बहुत काम आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें मैं रेशियो का रिश्ता एचसीएफ एलसीएम से बताऊंगा। मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं एचसीएफ कैसे होता है। देखिए अगर अभी आप देखिएगा, दो नंबर है ए और बी, ठीक है, बी की वैल्यू 40 मान लेता हूं, ए की मान लेता हूं 160, तो इन दोनों का रेशियो कितना निकलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 4:1, ये तो रेशियो निकल के आया। तो आपने इनको ये जो बनाया, ये काटा किससे है, हमने काटा 40 से काटा ना, ये 40 क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा, ठीक है। और अगर हमको नंबर दे देगा कि इनकी दो नंबर का अनुपात 4:1 है, ठीक है, तो बोलेगा द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 4:1, ठीक है, रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:1, इफ बी इज इक्वल टू 40 देन फाइंड ए। तो क्या करेंगे, हमें पता है B की वैल्यू 40 दी गई, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 100, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 40। HCF, ये HCF होता है रेशियो में। मान लीजिए A और B हैं, दो लोग हैं, A की आयु है 20 साल, B की कितनी है 35 साल, तो 20 और 35 का आप जो देखो आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे किससे कटेगा, 5 से कटेगा ना, ये रेशियो कितना आएगा 4:7, तो 5 से काटा है ना, तो वो मल्टीप्लायर क्या है मेरे भाई 5, और वही एचसीएफ होता है। 20 और 25 का आप एचसीएफ निकालोगे, वही एचसीएफ 20 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, वही क्या होता है 5, ठीक है। मैं एचसीएफ के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जब और लिंक के समझ में आया। तो बेसिकली मेरे को परसेंटेज से एक्चुअल नंबर में कैसे आते हैं, एक्चुअल नंबर से रेशियो में कैसे आते हैं, और रेशियो एचसीएफ से कैसे लिंक है, ये मैं सब आपको बताना चाहता था। पूरा मैथ एक से कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये लिंकेज जब पता लगेगा तो मैथ आपको बहुत छोटा लगेगा, नहीं तो बहुत कठिन लगेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूं तो वीडियो पर आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। नमस्कार, जय हिंद।